जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि विदेश में ड्रीम इलेवन कैसे खेलें, पैसा ऐड कैसे करें, जो कि भाई लोग विदेश रहकर ड्रीम इलेवन खेलना चाहते हैं, पैसा ऐड करने की वजह से ड्रीम इलेवन खेल नहीं पाते हैं। तो हम ये आप लोग को बताएंगे कि कैसे ड्रीम इलेवन में पैसा ऐड करें, चाहे सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, कहीं भी हो, आप पैसा आसानी से ड्रीम इलेवन में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अभी मेरा बैलेंस ड्रीम इलेवन में 103 रुपये 31 पैसे है। तो और इसके बाद मैं पैसा ऐड करने जाता हूँ तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बताता है। ये देखिए, इम्पोर्टेंट जो लोकेशन का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ड्रीम इलेवन में पैसा ऐड नहीं होता है। तो इसको कैसे ठीक करना है हम आप लोग को बता रहे हैं। ये उससे पहले हम आप लोग को दिखा दें कि मैं अभी कुवैत में ही हूँ, जो कि मेरे को आए हुए 1 साल हो गया। 1 साल से ही मैं ड्रीम इलेवन खेलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है पैसा ऐड करने के लिए। मैं घर पर भी खेलता था लेकिन इधर आकर के भी खेलता हूँ। ये देखिए, ये मेरा लाइव लोकेशन है, ये गूगल मैप मैं ओपन किया हूँ। ये देखिए, ये जूम इन कर रहा हूँ, ये जूम आउट कर रहा हूँ, तो उसके बाद मेरा लोकेशन आप देख सकते हैं, सबा अल अहमद है। जो भी भाई इधर होंगे कुवैत, उनको मालूम होगा सबा अल अहमद का है। ये देखिए, नीला कलर का जो है, ये मेरा लोकेशन दिखा रहा है। ये देखिए कुवैत, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कुवैत में है। तो इसे आप लोग को विश्वास हो गया होगा कि मैं अभी कुवैत में हूँ, ड्रीम में खेलता हूँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे पैसा ऐड करना है इसमें। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है, सेटिंग ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप जाएंगे, यहाँ पर नीचे जाएंगे, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए सिस्टम मैनेजमेंट। ये जो सिस्टम मैनेजमेंट है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद और सबसे ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है अबाउट फोन। ये देखिए, ये अबाउट फोन है, अबाउट फोन को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको और ऊपर धीरे 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 और ऊपर इसको जाएंगे। ऊपर जाने के बाद ये यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर वर्जन। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर वर्जन है। ये सॉफ्टवेयर वर्जन को हम 4-5 बार लगातार जल्दी जल्दी उसको दब टच करेंगे, जल्दी जल्दी 4-5 बार टच करेंगे, जब तक नीचे कुछ लिखा हुआ आ ना जाए। अभी देखिएगा, मैं इसको 4-5 बार टच करूँगा जल्दी जल्दी, तो यहाँ नीचे लाइन में कुछ लिखा हुआ आएगा, जो डेवलपर ऑप्शन उसको बोलते हैं, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए आ गया, नो नीड यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर, मेरा ऑलरेडी पॉलिसी है। इसको आप एक बार नहीं होता है तो दोबारा भी 3-4 बार 5 बार इसे दबिएगा। ये देखिए डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है, और इसको बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद और एक बात और दोस्तों, किसी किसी फ़ोन में ये सिस्टम मैनेजमेंट नहीं रहता है, सब फ़ोन में अलग अलग रहता है सेटिंग। मेरा वीवो का है तो वीवो में ये सेम सेम ऐसा ही रहेगा। और दूसरा मोबाइल है तो आप खोजिएगा ये अबाउट फ़ोन, जो अबाउट फ़ोन में सेटिंग ओपन करेंगे डायरेक्ट अबाउट फ़ोन आ जाता है। फिर अबाउट फ़ोन को ओपन करके आप वहाँ ये सॉफ्टवेयर वर्जन में आसानी से जा सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, ये मेरा डेवलपर ऑप्शन ओपन हो गया है, ये या नीचे सबसे नीचे, ये देखिए, ये देखिए सबसे नीचे, ये जो ये देखिए डेवलपर ऑप्शन। पहले आप देखेंगे डेवलपर ऊपर ऑप्शन आप लोग का ऑन नहीं होगा, तो ये सेटिंग करने के बाद ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं अबाउट फोन में सबसे नीचे ये दिखा रहा है डेवलपर ऑप्शन। ये ऑन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये यहाँ पर, तो दोस्तों इसके बाद आप लोग को जाना है प्ले स्टोर में। ये प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे जीपीएस इमुलेटर। ये जीपीएस इमुलेटर, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है जीपीएस इमुलेटर, आप टाइप कर सकते हैं GPS जीपीएस इमुलेटर, देखिए सबसे ऊपर आ गया है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए नीचे ये सिंबल है आपका जीपीएस इमुलेटर का, ये सिंबल है, ये देखिए ये सिंबल देख सकते हैं, ऐसा ही रहेगा। इसी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं पहले डाउनलोड किया हूँ तो उसके लिए मेरा ओपन लिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, यहीं से ओपन कर लेंगे, चाहे बंद करके आप जा कर के सॉफ्टवेयर वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिए अभी ओपन नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर ऊपर ये देख सकते हैं, ये जो है ये यहाँ पर सर्च बार दिया है, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है वहाँ का नाम आप सर्च कर लेंगे, जहाँ पर ड्रीम इलेवन चालू है इंडिया में।
तो हम यहाँ पर लिख लेंगे गोरखपुर। देखिए गोरखपुर हम सर्च मारेंगे, गोरखपुर सर्च मारने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए गोरखपुर आ गया, मेरा पहले से मैं ऐड किया हूँ। जब यहाँ पर आ जाएगा गोरखपुर तो आप इसको क्या करेंगे, अरे को यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ नीचे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर गोरखपुर आने के बाद यहाँ पर ये नीचे ये जो हरा ये नीचे दिया है, ये देखिए नीचे ये जो दिया है हरा गोला सा, ये हरा जो गोला सा दिया है इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद ये आएगा व्यू डील और माई लेटर, तो हमें व्यू डील पर नहीं टच करना है, माई लेटर पर टच कर देना है। ये हमारा गोरखपुर लोकेशन सेट हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें एग्जिट चले जाना है और यहाँ से एग्जिट बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आप फिर वो सेटिंग में जाएंगे, डेवलपर ऑप्शन जो है उस डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है। डेवलपर ऑप्शन सिस्टम मैनेज में गए और यहाँ से नीचे हमारा डेवलपर ऑप्शन है, इसको डेवलपर ऑप्शन को ओपन करेंगे। यहाँ डेवलपर ऑप्शन आप लोग का बंद रहेगा, जो नया नया पहली बार करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ आपका बंद रहेगा, इसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद दोस्तों ये नीचे जाइएगा, इसे धीरे धीरे नीचे जाइएगा। ये जाने के बाद यहाँ आपका यहाँ देखिए यहाँ आपका दे रहा है सिलेक्ट मोक लोकेशन ऐप, ये वाला सिलेक्ट मोक लोकेशन ऐप, तो इसको हमें क्या करना है, इसको टच करना है। और टच करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ आ गया आपका नथिंग और जीपीएस इमुलेटर, तो हमें जीपीएस इमुलेटर पर टच कर देना है। ये ऑन हो गया। अब यहाँ से भी आपको बैक चले जाना है। अब बैक जाने के बाद दोस्तों अब हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि ड्रीम इलेवन में पैसा कैसे ऐड होता है। और दोस्तों और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों अभी हम आप लोग को पैसा ऐड करके ड्रीम इलेवन में आपको दिखा रहे हैं कि पैसा आप देखिए ऐड करने के लिए यहाँ ऐड कैश करेंगे, तो यहाँ देखिए मेरा अभी 103 रुपया और 31 पैसा है, तो हम इसको ऐड कैश करेंगे। यहाँ पर ऐड कैश करने के लिए देखिए अभी यहाँ पर कोई लोकेशन प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सब प्रॉब्लम ठीक हो गया है। अब यहाँ पर जितना चाहे उतना 100, 200, 300, 400, 1000 जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, तो हम अभी 1000 रुपये ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये ऐड करने के लिए आप लोग को ये ब्लैक स्क्रीन दिखाएगा, क्योंकि गूगल पे फ़ोन पे से जब ऐड करेंगे तो ऐसा ही दिखाता है, ब्लैक दिखाएगा। अब यहाँ ऐड करने के लिए तो दोस्तों ये देखिए अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा नेटवर्क सर्च कर रहा है और यहाँ पर हम गूगल पे करके बैलेंस ऐड कर रहे हैं। और आप चाहे तो एटीएम कार्ड से भी ऐड कर सकते हैं, एटीएम कार्ड का जो नंबर डाल करके उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल लेंगे वो ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आसानी से ड्रीम इलेवन खेल सकते हैं। कहीं भी किसी भी कंट्री में जा करके आप ड्रीम इलेवन खेल सकते हैं। अगर आपका ड्रीम इलेवन पहले से चालू है, नहीं चालू है तो किसी भी नंबर से चालू कर लीजिएगा, इंडिया के नंबर से, उस पर ओटीपी आता हो बस और क्या, चालू हो जाएगा, आप आसानी से खेल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी देखिए मेरा ऐड हो रहा है कैश, अभी मैं गूगल पे कर रहा हूँ, पिन नंबर ऐड कर रहा हूँ, डालने के बाद अभी देखिएगा हमारे अकाउंट में ऐड कैश में जुट जाएगा। अभी अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा, थोड़ा स्लो हो गया नेटवर्क, उसकी वजह से आप चाहे तो वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक स्क्रीन दिखाएगा। जब भी गूगल पे फ़ोन पे उसको चालू करके आप पैसा कटाएंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे, तो वो ब्लैक स्क्रीन ही दिखाता है। दोस्तों इस तरह से आप लोग ऐड कैश कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी ये देखिए अभी मेरा पैसा कट गया है, अब मैं आप लोग को अपना बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है। अब ये देखिए मेरा 1103 रुपया और 31 पैसा हो गया है। तो ऐसे दोस्तों आप लोग भी ड्रीम इलेवन आसानी से खेल सकते हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में जा करके। जय हिंद। और दोस्तों आप लोग को ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो ड्रीम इलेवन खेलने में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व जरूर कर देंगे और आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे हम दोस्तों। तो आप लोग कभी भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है और हम आप लोग का क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे।